अपनी जनरेशन को बचाएंगे। तो वक्त की ज़रूरत भी है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाइए, बच्चों को खेल कूद की तरफ लगाइए, दूसरे मामलों की तरफ लगाइए, और बच्चों पर नज़र भी रखिए कि आपका बेटा सुबह जब यहाँ आपके घर से निकलता है तो कहाँ जाता है, और दिन को वो कहाँ रहता है, और शाम को कहाँ वापस आता है, और जब शाम को आता है तो किस हालत में आता है। आपके यहाँ सभी ने अच्छे अच्छे मकान बना के रखे हैं, अलग से कमरे आपने देखे रखे हैं, तो कमरे में देख ही जाके बच्चा क्या कर रहा है, कहीं सिगरेट तो नहीं पी रहा है, कहीं वो सिगरेट में कुछ और चीज़ें तो नहीं वो यूज़ कर रहा है। दूसरी एक और चीज़ है कि आप अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं। मैं कल भी कहीं एक नाके पर मैं खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था मैक्सिमम लोग जो हैं वो आपके जो बाइकर्स जो हैं टू व्हीलर्स हैं वो हेलमेट के बिना चलाते हैं। वो इस चीज़ को डिस्करेज कीजिए, अपने बच्चे को जब भी आप घर से निकालते हैं अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो उसका हेलमेट दे के निकलिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने देखा आपके यहाँ तीन तीन लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर और रैश ड्राइविंग करते हैं, उस चीज़ को आप डिस्करेज कीजिए। जो हमारी पुलिस का हमारा जो काम है हम तो वो करेंगे, बट उसमें भी आपकी सिफारिशें आ जाएंगी, मेरा कोई जानने वाला कोई साथी है कोई दूसरा है किसी लड़के को मैं पकड़ूंगा उसका चालान करूंगा तो आपका फ़ोन आ जाएगा कि जनाब ये तो मेरा बेटा है गलती से ऐसे निकला था, ये तो हेलमेट तो इसके पास है, इस चीज़ को आप डिस्करेज कीजिए, बल्कि उसका चालान करवाइए ताकि नेक्स्ट टाइम वो हेलमेट के बिना ना जाए। कल खुदा ना खास्ता वो कहीं बाहर निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो नुकसान आदमी का होगा, और वो ऐसा नुकसान होगा जो नाकाबिले तलाशी है, वो उसके उससे बचने की कोशिश। मोबाइल स्मगलिंग का यह मामला रहता है वो इसको सख्ती से आप ही देखिए, कोई भी लोग जो है जो इलीगल और एंटी इस तरह से गैर कानूनी कामों में जो लोग मुलव्वस होते हैं इससे पूरे आपके एरिया में